हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक ऑफ अवर टुडे वीडियो इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। इससे पहले हमने लाइट एम्पलीफिकेशन क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी, वो स्टडी की थी। आज हम कुछ एक टर्म्स हैं इसमें जो वो स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है। देखो, हमने क्या कहा, हमने देखा कि अगर लेजर देखा है ना, लेजर की जो फुल फॉर्म थी वो क्या थी आपकी, लाइट एम्पलीफिकेशन। लाइट एम्पलीफिकेशन किससे, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है ना, ये थी फुल फॉर्म हमारी किसकी, लेजर की। अब हमें स्टडी करना है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो देखो, हम कहते हैं जब हमारा सिस्टम किसमें था, थर्मल इक्विलिब्रियम में। जब हमारा सिस्टम किसमें होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, ज्यादातर एटम्स कहाँ लाई करते हैं, ग्राउंड लेवल में। कहाँ लाई करते हैं, ग्राउंड लेवल में, है ना, कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो मोस्ट ऑफ द जो एटम्स होते हैं हमारे, वो कहाँ लाई करते हैं भाई, ग्राउंड लेवल में, है ना, ये बोल सकते हो। मतलब जो N1 की जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है किससे, N2 से। अगर ये दो एनर्जी लेवल है, जिस एनर्जी लेवल E1 है, ये E2 है, इसकी पॉपुलेशन N1 है और इसकी पॉपुलेशन N2 है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं आपके, ज्यादातर एटम्स ग्राउंड स्टेट में लाई करते हैं। क्योंकि एटम्स हमारे जो यूनिवर्स का जो है लॉ है, क्या कहता है, कि हर चीज स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहती है, तो इसलिए ज्यादातर एटम्स कहां लाई करते हैं, ग्राउंड लेवल में। तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में N1 की पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रहती है N2 से, है ना। तो इसका मतलब जब भी हम कोई फोटोन स्ट्राइक करवाएंगे तो वहां पे एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, होंगे दोनों, एब्जॉर्प्शन और एमिशन भी होता रहेगा, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ज्यादातर एटम्स कहां पे हैं, ग्राउंड लेवल में, ठीक है। अब हमें तो लेजर ऑपरेशन करवाना है, लेजर ऑपरेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करे, है ना। लेजर एक्शन करने के लिए, लेजर एक्शन के लिए क्या होना चाहिए आपका, स्टिमुलेटेड जो एमिशन है वो क्या करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, है ना, वो डोमिनेट करेगा, तब आपका क्या होगा, लेजर एक्शन होगा। स्टिमुलेटेड एमिशन, अब इसका मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा, जब मेजोरिटी ऑफ एटम्स कहां पे होंगे, हायर एनर्जी लेवल में, है ना। और स्टिमुलेटेड एमिशन कब डोमिनेट करेगा, व्हेन पॉपुलेशन जो होगी, पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल इज मोर किससे, देन लोअर एनर्जी लेवल, देन लोअर एनर्जी लेवल, तभी होगा स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट। क्या, जब पॉपुलेशन आपकी हायर एनर्जी की पॉपुलेशन ज्यादा हो, लोअर एनर्जी की कम हो। तो ये जो नॉन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब देखो, ये तो इक्विलिब्रियम की स्टेट थी, तो ये कैसी स्टेट है आपकी, ये हमारी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो ये जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन दें तो क्या लिखेंगे, द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच द पॉपुलेशन N2 किसकी, ऑफ द अपर एनर्जी लेवल एक्सीड कर जाए किससे, टू ए लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, देन द पॉपुलेशन N1 ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल, इट इज नोन एज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन दें तो क्या होती है, द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है आपकी, द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, है ना, नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो क्या होता है, N1 हमेशा ज्यादा होता है, तो ये नॉन इक्विलिब्रियम, द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट किसकी, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच, जिसमें आपका क्या हो, इन विच द पॉपुलेशन N2, इन विच द पॉपुलेशन N2 किसकी, ऑफ हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल एक्सीड टू सच ग्रेट एक्सटेंट, ग्रेट एक्सटेंट किससे, देन द पॉपुलेशन, देन द पॉपुलेशन N1 किसकी, ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। तो
क्या देखा हमने, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, अगर शुरू से देखें कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होती है आपकी, ग्राउंड लेवल पे या लोअर एनर्जी लेवल पे एटम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, देन कंपेरिजन टू द हायर एनर्जी लेवल्स. क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहते हैं. फिर हमें तो लेजर एक्शन पढ़ना है, लेजर एक्शन के लिए क्या डोमिनेट करना चाहिए आपका, स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करना चाहिए. और स्टिमुलेटेड एमिशन कब डोमिनेट करता है, जब आपकी पॉपुलेशन हायर एनर्जी लेवल की ज्यादा हो और लोअर की कम हो. ये इसका मतलब कैसी स्टेट है, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है. तो ये जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसके अंदर आपकी हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए और लोअर एनर्जी की पॉपुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं. ठीक है, आ गई बात समझ में. तो अगर हम अगर फिगर से दिखाएं तो देखो, ये मान लो कोई थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट, ये एनर्जी लेवल्स है, E1 एनर्जी लेवल एक बनाया, ठीक है, इसके इधर क्या है, पॉपुलेशन N है, इधर एनर्जी है, ठीक है, इधर पॉपुलेशन है और इधर क्या है, एनर्जी. तो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट दिखा रही हूं सबसे पहले, है ना. फिर हायर में क्या होती जाएगी, पॉपुलेशन कम होती जाएगी, है ना. ये एनर्जी लेवल है मान लो कोई E2 है, ये कोई एनर्जी लेवल है आपकी E3 है. तो ये तो कब है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हमें. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे दिखाएंगे, कुछ ऐसे दिखाएंगे, इधर तो वही पॉपुलेशन है, इधर क्या है, एनर्जी है. तो क्या हो, ग्राउंड लेवल इसकी एनर्जी क्या हो जाए आपकी, लोअर की एनर्जी कम, और हायर एनर्जी स्टेट की अगर क्या हो जाए आपकी पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है ना, ये एनर्जी E1, ये एनर्जी E2. तो ये जो N1, ये N1, ये N2, यहाँ पे N1, N2, N3, ठीक है, सेम ऐसे मान लो N3 कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, है ना, N3. तो यहाँ पे क्या हो गया, N2 ज्यादा हो गया किससे, N1 से. तो इनके बीच में क्या डोमिनेट करेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करेगा. मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेजर एक्शन होगा, क्या अचीव हो गया यहाँ पे, आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया, कि N2 हायर एक्साइटेड, हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई किससे, लोअर एनर्जी लेवल से. तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं. ठीक है, तो ये कैसी स्टेट है, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. आ गई बात समझ में. तो ये था पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है. ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन ये होता है कि हायर एनर्जी स्टेट की आपकी पॉपुलेशन, हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, लोअर की कम हो जाए, है ना. अब ये अचीव कैसे, अपने आप तो नहीं हो सकता, है ना. तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कैसे किया जाता है, हाउ द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव. ठीक है, हाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड, कि आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कैसे होता है. तो उसके लिए क्या यूज की जाती है, पंपिंग स्कीम्स यूज की जाती है. क्या यूज की जाती है, पंपिंग स्कीम्स यूज की जाती है. क्योंकि ये कैसी है पॉपुलेशन इन्वर्जन, एक कैसी स्टेट है आपकी, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है. कैसी स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, जिसके अंदर क्या होती है आपकी, N2 की वैल्यू ज्यादा होती है N1 से. और ये तो क्या होती है, अपने आप तो नहीं हो सकती, सेल्फ तो नहीं हो सकती. मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो आपके क्या है, जैसे ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना, ऐसा ही कि यहाँ पे एटम्स ज्यादा है, है ना, और यहाँ पे एटम्स क्या है आपके, कम है. N1 है और ये क्या है, सॉरी ये N1 है और ये N2 है, ये E2 एनर्जी है, ये E1 है. तो क्या है आपका, N1 ज्यादा है N2 से. तो ये तो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, है ना, ये क्या है आपकी, थर्मल इक्विलिब्रियम. तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए तो क्या चाहिए, N2 ज्यादा चाहिए N1 से, मतलब यहां ज्यादा चाहिए यहां कम. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एटम्स को एक्साइट करवाना पड़ेगा, कहां पे, अपर लेवल में. इसका मतलब हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना. तो उन एनर्जी हमें क्या करवानी पड़ेगी, कोई एनर्जी, तो वो प्रोसेस जिसके अंदर, जिससे के द्वारा हम क्या करते हैं, एटम्स को रेज करवाते हैं, कहां से, लोअर लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे. ठीक है, तो उस स्कीम को क्या कहते हैं हम, पंपिंग स्कीम या पंपिंग प्रोसेस. पॉपुलेशन इन्वर्जन किस स्कीम के थ्रू अचीव की जाती है, थ्रू द पंपिंग प्रोसेस. ठीक है, तो क्या लिखोगे, पंपिंग है क्या एक्चुअल में, पंपिंग क्या है आपकी, द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी रेज द एटम्स, एटम्स को रेज करेंगे कहां से, रेज द एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल कहां, टू द अपर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल. ठीक है, तो वो जो स्कीम कहलाती है, उस स्कीम को हम क्या कहते हैं, पंपिंग. तो ये क्या कहलाती है, ये जो प्रोसेस है या ये जो स्कीम है, ये क्या कहलाती है आपकी, पंपिंग स्कीम कहलाती है.
ठीक है, आ गई बात समझ में। मतलब एटम्स अपने आप तो भाई कोई भी चीज़ नीचे है वो अपने आप तो ऊपर जा नहीं सकती, हमें उनको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम उन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं या उन एटम्स को लोअर लेवल से अपर लेवल में लेके जाते हैं, वो जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, पंपिंग स्कीम कहलाती है। अब आते हैं पंपिंग के मैथड, अलग अलग तरीके से पंपिंग की जाती है, ठीक है। तो पंपिंग मेथड कौन कौन से हैं आपके, किस तरीके से आप एटम्स को रेज करवा सकते हो। कि देखो जनरली तो हीट करके, हीट अप कर दें क्या ये कहा जाए, है ना। देखो लेकिन सिर्फ हीट करने से आपके एटम्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, सिर्फ उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ये नहीं कह सकते कि वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है। उनकी एनर्जी में वेरिएशन हो जाता है, लेकिन हमें तो एक्चुअल में क्या करना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है किसकी, अपर लेवल की। तो उसके लिए अलग अलग पंपिंग मैथड होते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट जो चार जनरल मैथड है आपके वो हैं, सबसे पहला आता है आपका ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है, क्या है ऑप्टिकल पंपिंग। दूसरी आती है आपकी इलेक्ट्रिकल पंपिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग। चौथी आती तीसरी आती है आपकी केमिकल पंपिंग, और एक आपकी आती है एक्सरे पंपिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग पंपिंग स्कीम्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एटम्स को रेज करवा सकते हैं, कहाँ, अपर एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। तो देखो पहली क्या है आपकी, ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग में क्या है ना, सबसे पहले क्या आई है आपकी, जैसे पहले की अगर हम बात करें तो हमारी आई है ऑप्टिकल पंपिंग, है ना। देखो नाम ऑप्टिकल, ऑप्टिकल पंपिंग मतलब इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं यूज ऑफ फोटोन्स, किसकी हेल्प से एटम्स को रेज करवाएंगे, फोटोन्स की हेल्प से, ठीक है। यूज ऑफ फोटोन्स टू एक्साइट द एटम्स, ठीक है। इसमें हम किसका यूज करते हैं, फोटोन्स का। जैसे एक लाइट सोर्स ले लेते हैं, फ्लैश डिस्चार्ज जो कुछ भी है उसको इल्यूमिनेट करवा देते हैं लेजर मीडियम से, तो जो फोटोन्स है किसी अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी के वो एक्साइट करेंगे एटम्स को अपर मोस्ट लेवल में, ठीक है। वहां से वो कहीं लोअर लेवल में आएंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा और इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल जो पंप सोर्स है वो क्या कौन कौन से होते हैं, अगर हम ऑप्टिकल पंप सोर्स की बात करें, ऑप्टिकल पंप सोर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। और आपका क्या होता है, जैसे लैंप्स होते हैं कुछ, एक कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग लैंप्स, लैंप भी बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या है, कुछ सोर्स हैं। तो ऑप्टिकल बस इतना ही, यही है कि ऑप्टिकल पंपिंग में क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ फोटोन्स करते हैं टू एक्साइट द एटम्स, ठीक है। एक लाइट सोर्स है उसको क्या करवाया जाता है, एल्यूमिनेट करवाया जाता है लेजर मीडियम से, तो एप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी के फोटोन स्ट्राइक होंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है, ठीक है। जो पंप फोटोन्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी, उनकी जो क्या होनी चाहिए, हाइयर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो एमिटेड फोटोन हो उनसे, ठीक है। तो ये था। उसके बाद दूसरी क्या आती है आपकी, ऑप्टिकल पंपिंग के बाद इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है ना आपकी सिर्फ यूज होती है लेजर मटेरियल्स में जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो उसके, कंडक्ट हो उसकी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग इसमें क्या क्या, ये मेनली लिमिटेड होता है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग आपकी लिमिटेड होती है मेनली गैसेस पे, ठीक है, मेनली लिमिटेड टू गैसेस ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, गैस लेजर होती है उस पर हाई वोल्टेज पल्स को इनिशियली आयनाइज करवाया जाता है उस गैस को, वो क्या कर देती है, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा गैस से वो एक्साइट करेगा एटम्स को, किसको, एक्साइटेड लेवल को, जहां से वो फिर मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होंगे, ठीक है। मतलब बस ये है कि इसमें ऑप्टिकल पंपिंग में क्या यूज करते हो आप, फोटोन्स का यूज करते हो। इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग मेनली गैसेस के लिए है क्योंकि इसमें क्या हो, उनके लिए एप्लीकेबल है जो क्या करे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या जाते हैं, केमिकल पंपिंग, कुछ केमिकल्स की हेल्प से भी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस वगैरह करवा के। एक्सरे पंपिंग, इसमें एक्सरे बीम का यूज किया जाता है उसके हेल्प से, सॉलिड स्टेट लेजर में मेनली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जो एटम सॉलिड फॉर्म में हो उस पर एक्सरे फॉल करवा के तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है अचीव, पंपिंग की जाती है। तो मतलब मेन आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, पंपिंग होती क्या है, और पंपिंग किस किस मेथड से कर सकते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग भी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और एक्सरे पंपिंग से हम करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये तो थी आपकी पंपिंग। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आती है आपकी, एक्टिव मीडियम क्या होता है, द नेक्स्ट वन इज द एक्टिव मीडियम, कि भाई एक्टिव मीडियम क्या होता है, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, लेजर पढ़ रहे हैं, है ना। तो एटम्स क्या होते हैं जनरली, देखो किसी एक जो आप कह सकते हो एटम्स के अंदर जनरली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होती है, ठीक है। अब सभी टाइप के एटम्स तो लेजर ऑपरेशन के लिए सूटेबल होते नहीं है, ठीक है। लेजर
अगर हम किसी मीडियम की बात करें जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज के एटम्स हैं, ठीक है, एक कोई भी, जैसे अगर हम रूबी लेजर की बात करें, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे है ना रूबी लेजर है कोई, जिसमें होता है Al2O3 प्लस, इसमें क्या करते रहते हैं क्रोमियम 3 प्लस आयंस की डोपिंग करते हैं। देखो इसमें हालांकि एल्यूमिनियम के भी एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी हैं और क्रोमियम के भी, लेकिन जो एक्टिव मीडियम है वो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम 3 प्लस आयंस, ठीक है। तो इसका मतलब एक जो आपके ये बोल सकते किसी एक्टिव मीडियम के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हैं, एटम्स के बहुत सारे स्पीसीज हैं, लेकिन वो सारे सुटेबल नहीं होते लेजर एक्शन के लिए। कोई एक पर्टिकुलर आपका स्पीसीज होता है जो सुटेबल होता है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए और लेजर एक्शन के लिए, ठीक है। तो वो जो एटम्स होते हैं जो कोज करते हैं लाइट का एम्पलीफिकेशन, उसको बोलते हैं हम एक्टिव सेंटर। तो अगर रूबी लेजर में बात करें तो एक्टिव सेंटर क्या है आपका, क्रोमियम 3 प्लस आयन, ठीक है। जो जो बाकी के जो मीडियम बच गए ना, वो तो होस्ट का काम करते हैं, स्पोर्ट का काम करते हैं, किसके लिए, उन एक्टिव सेंटर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव मीडियम की बात करें तो मीडियम जो आपका होस्ट करता है एक्टिव सेंटर को, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्टिव मीडियम, ठीक है। तो अगर आप एक्टिव मीडियम कुछ जस्ट लिखना चाहो तो एक्टिव मीडियम क्या लिखोगे कि एटम्स जो होते हैं किसी भी आपकी, ये बोल सकते हैं एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और अगर हम बात करें किसी भी लेजर मीडियम में उसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पीसीज हैं एटम्स के, तो सभी एटम्स सूटेबल नहीं होते हैं किसके लिए, लेजर एक्शन के लिए या स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। तो जो मेन जो सूटेबल होता है जो लेजर एक्शन के लिए, जो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए सूटेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, एक्टिव सेंटर, ठीक है। दैट इज अगर रूबी लेजर की बात करें तो उसमें क्रोमियम 3 प्लस आयन, उसके अलावा जो बच गए वो क्या कहलाते हैं, वो तो होस्ट का काम करते हैं या फिर उनका स्पोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव मीडियम क्या है, वो आपका मीडियम जो क्या करता है, पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस को डोमिनेट करवाता है, या फिर बोल सकते हो जिसकी वजह से लेजर एक्शन होता है, एक्टिव मीडियम ही होता है जो क्या करवाता है आपका, लाइट का एम्पलीफिकेशन करवाता है। इट इज एक्चुअली द एक्टिव मीडियम विच मे कॉज द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड इवेंचुअली कॉज द लाइट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। और जो एक्टिव मीडियम होता है वो आपका कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। एक्टिव मीडियम क्या होता है, द मटीरियल, वो मटेरियल होता है विच एक्चुअली, जो आपको क्या करे, एक्चुअली कोज स्टिमुलेटेड एमिशन या फिर क्या बोल सकते हो, और पॉपुलेशन इन्वर्जन, और इन्वर्जन किसके लिए, एंड इवेंचुअली क्या करे, कोज लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, एक्टिव मीडियम होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद एक छोटी सी एक टर्म और एक है आपकी, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है। नेक्स्ट क्या आती है आपकी, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, ठीक है। देखो हमने कहा हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन का कैसे अचीव होता है, जब आपकी हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन ज्यादा हो और लोअर की कम हो। अगर सिर्फ देखो मान लो ये एनर्जी लेवल E1 थी, है ना, ठीक है, और ये एनर्जी लेवल E2 है, इसकी पॉपुलेशन कम है, इसकी N2 है, N1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्साइट करवा रहे हैं एटम्स को, है ना, यहां से किस स्कीम से, पंपिंग स्कीम से, ठीक है। अब ठीक है, तो ये लेकिन कैसे स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट का हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ टाइम होता है, वो होता है नैनो सेकंड, 10^-9 सेकंड। मतलब जब आप एटम्स को रेज तो करवा रहे हो, लेकिन एटम्स यहां पे सिर्फ इतने टाइम के लिए रुकेंगे, उससे जल्दी मतलब इतने टाइम में इतनी जल्दी वो क्या हो जाएंगे, रैपिड उनका आपका डीएक्साइट हो जाएंगे थ्रू स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि लाइफ टाइम जो होता है एक्साइटेड स्टेट का, वो सिर्फ कितना होता है, 10^-9 सेकंड। तो मतलब आप पंपिंग स्कीम से हालांकि एटम्स को रेज करवा रहे हो, लेकिन उतनी ही जल्दी स्पीड से क्या हो रहे हैं, एटम्स आपके लोअर स्टेट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो पॉपुलेशन इन्वर्जन तो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन तो तब अचीव होगी जब जिन एटम्स को आप एक्साइट करवा रहे हो वो कुछ देर किसी एक एनर्जी लेवल में रुके, कुछ टाइम के लिए रुकेंगे, तभी तो वहां पे जमा होते जाएंगे एटम्स, और क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा, उसकी लेवल पे एटम्स ज्यादा होंगे, ग्राउंड पे कम होंगे। इस तरीके से तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट और लोअर एक्साइटेड स्टेट के बीच में एक एनर्जी लेवल, एक स्टेट लाई करती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। और ये जो मेटास्टेबल स्टेट होती है, इसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब यहां एटम्स ज्यादा रुकेंगे, दैट इज 10^-6 सेकंड होती है इसकी अप्रोक्स। तो इसका मतलब अब यहां से एटम्स डीएक्साइट, ठीक है, यहां से तो आप करवा रहे थे, लेकिन अब यहां से डीएक्साइट होके सीधे यहां नहीं आएंगे, यहां आएंगे और यहां पे कुछ टाइम के लिए रुकेंगे,
ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे और यहां से जल्दी से डीएक्साइट हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मेटास्टेबल स्टेट क्या है, एक ऐसी स्टेट हुज लाइफ टाइम स्टेट हुज लाइफ टाइम इज लिटिल मोर देन किससे, द एक्साइटेड स्टेट, देन द एक्साइटेड स्टेट एंड एंड इज इट इज इट इज नेसेसरी, ये किसके लिए है, नेसेसरी है फॉर द अचीवमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, फॉर द अचीवमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन क्यों, बिकॉज इट इज द स्टेट, ये वो स्टेट है वेयर एटम्स स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम देन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रुकेंगे और क्या होंगे, आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा। ठीक है, तो मेटा स्टेबल स्टेट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगा, तो स्टिमुलेटेड एमिशन भी नहीं होगा और लेजर एक्शन भी नहीं होगा। तो देखो मेनली तीन अलग अलग कंडीशन आई लेजर एक्शन के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होना चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन कब अचीव होगा, जब मेटास्टेबल स्टेट होगी। ठीक है, अगली बात समझ में, और मेटास्टेबल स्टेट होगी तो स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करेगा और फिर लाइट का एम्पलीफिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी आपकी लेवल में आपकी किसी लेजर में मेटास्टेबल स्टेट नहीं है तो वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था आपका मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।